तत्कालीन जो सरकार थी लालू प्रसाद यादव की सरकार, उस सरकार ने हम लोगों को उलझाने का काम किया। आप 32 वर्षों के बाद हमको आज जस्टिस मिला है माननीय न्यायालय पटना के द्वारा। हम सभी अभियुक्त न सिर्फ बाइज्जत बड़ी हुए हैं, कोर्ट ने पॉइंट वाइज कैटेगरिकली लिखा है। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभु कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मैं अभी हाईकोर्ट के सामने हूँ। आपको जैसा कि पीछे का सीन आप देख रहे होंगे, 23 साल की उम्र में केस होता है, झूठा केस होता है, वही कानून इनको फंसाता है। कई बार जेल जाते हैं और जेल जाने की वजह से इनकी करियर खराब होती है, और वही हाईकोर्ट में 32 साल के बाद एक ऐसा रिजल्ट आता है कि बाइज्जत बरी कर दिया जाता है कि आप निर्दोष हैं। आखिर वो 23 साल से लेकर के आज तक, यानी कि 32 साल की जो समय काल है, उस समय काल का खजाना कौन भरेगा? 32 साल तक जो अपने आदमी अपनी कोर्ट कचहरी थाने में समय व्यतीत करे, अपने करियर पर ध्यान नहीं दिए, उसमें कई सारे लोग हैं, शायद 23 लोग हैं, 24 लोग को उसमें संलिप्तता दिखाई गई, लेकिन 24 लोग बाइज्जत बरी हो गए। केस के दौरान कई लोगों की मौत हो गई, जेल में मौत हो गई। सब लोग अपने अपने जो उनका जो टारगेट था, जो सपना था, उसको पूरा नहीं कर पाए और समाज में बदनाम करने की कोशिश की गई और बदनाम भी हुए। हम बात करें, मेरे साथ जुड़ रहे हैं महेंद्र सिंह यादव, इसी केस में जो केस से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, इनसे बात करेंगे कैसे कैसे क्या हुआ था आपकी शुरुआती कहानी और आज हाईकोर्ट से क्या लिया। 1 जनवरी 1993 को एक घटना घटित होती है हमारे गांव में, एक अपराधी की मौत हो जाती है। उस मौत के बारे में पृष्ठभूमि ये बताई जाती है कि किसी महिला का बलात्कार करते हुए मौत के हत्थे चढ़ते उसकी मौत हुई। उस अपराधी के परिजनों ने मैनिपुलेटेड ढंग से हमारे गांव के जितने सभ्य संभ्रांत लोग थे, पढ़े लिखे नौजवान, वकालत की हुए लोग, टीचर्स, जो पंचायत के निर्वाचित मुखिया, जो भी होनहार लोग थे, जो भी सभ्य संभ्रांत लोग थे, सभी परिवारों को उलझा देता और पुलिस मैनिपुलेट करके स्थानीय जो प्रतिनिधि थे तत्कालीन सरकार के, जो MLA MP सत्ता शासन में थे, उनके इशारे पर जो भी होनहार लोग थे उन लोगों को उलझाने की एक बड़ी साजिश रचती है। बहुत जद्दोजहद किया गया, मुख्यमंत्री से लेकर के CID कंट्रोल तक इसके थ्रू कराया गया और लंबे अनुसंधान के दरमियान भी इंसाफ नहीं मिला हम लोगों को। कई बार हमें जेल जाना पड़ा, कई बार हमें फरारी में जिंदगी काटनी पड़ी, कई बार इंसाफ की जद में हम लोगों को पुलिस ने इनकाउंटर का आदेश कर दिया 2003 में। तो इनकाउंटर का भी बिल्कुल शूट एट साइड का तत्काल ये होता है, मारा गया मॉब लाइन, वो व्यक्ति खुद रहते ही वाज हिस्ट्री सीटर। इसका टोटल डॉक्यूमेंट्स इस केस के फाइल में लगा हुआ है, दर्जनों केसेज में इंक्लूडिंग CC एक्ट, दर्जनों केसेज में ही वाज चार्जशीटेड, ही वाज कन्विक्टेड एंड ही वाज एक्यूज्ड। तो बड़ा हिस्ट्री सीटर था, बहुत बड़ा क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स था उसका। तो वो अपराधी किसी अपराध को कारित करते हुए मारा गया था, तो सरकार को चाहिए था कि भले लोगों को बचाना, और यदि मॉब ने किसी घटना को, किसी हिनस क्राइम को करते हुए किसी अपराधी की हत्या कर दी, तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस 100D एक्ट ऑफ IPC जो है वो इंडिविजुअल को भी और इवन द स्ट्रेंजर को राइट देता है कि किसी ऑफेंडर को आप मार सकते हैं, लेकिन वो नहीं होकर के मॉब को या समाज को या भले लोगों को मदद करने की बजाय, उनको डिफेंड करने की बजाय, तत्कालीन जो सरकार थी लालू प्रसाद यादव की सरकार, उस सरकार ने हम लोगों को उलझाने का काम किया। परिणति क्या हुई, हम 23 वर्ष के भेजा हमको मुकदमा हुआ। हम दुनिया के कई देशों में कई सपना और अनुमान लेकर के सेवा मुलाकातों को करने के बाद अपने देश लौटे थे कि यहाँ भी अच्छे से काम करें। यहाँ आने के बाद 302 का मुकदमा काबू हो गया और भागा फिरता रहा, कभी CC एक्ट में फंसाया गया, कभी शूट एट साइट का ऑर्डर किया गया। 2 टर्म तो हम विधानसभा चुनाव नहीं कंटेस्ट कर पाए इस कारण से, कन्विक्टेड होने के कारण, और समाज में तोहमत और बदनामी और सत्ता शासन के लोगों के द्वारा आपका जो मुकदमा का जो फहरिस्त होता है वो दिखला करके आपको अपराधी साबित करने की कोशिश की जाती है, समाज में आपका कैरियर प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है। आप 32 वर्षों के बाद हमको आज जस्टिस मिला है माननीय न्यायालय पटना के द्वारा। हम सभी अभियुक्त न सिर्फ बाइज्जत बड़ी हुए हैं, कोर्ट ने पॉइंट वाइज कैटेगरिकली लिखा है, थानाध्यक्ष स्टेटमेंट देता है कि 1/1/93 को मैं बेला थाना के पद में पर पदस्थापित था, थानाध्यक्ष के पद पर। मैं दूसरे दिन
2 जनवरी 1993 को मुझे सूचना मिलती है कि मेरे गांव का नाम मलाही गांव में 3 बजे दिन में 2 जनवरी 1993 के 3 बजे दिन में बकौल थानाध्यक्ष एक कोर्ट में उनका स्टेटमेंट दर्ज है, उनको सूचना मिलती है कि मलाही गांव बेला थाना में हिनस क्राइम हो गया, हत्या की चर्चा उन्होंने ही करते हैं, उनका मैं डॉक्यूमेंट रखा हूँ और मैं सरहा दर्ज करता हूँ, 17 नंबर सरहा दर्ज करके मलाही गांव के लिए प्रस्थान करता हूँ घटनास्थल पर और वहाँ जा कर के मैं 100 का जो एक होता है इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार करता हूँ, घटनास्थल पर सब कुछ अनुसंधान करता हूँ, सब कुछ तैयार करते हुए मुझे 7 बज जाता है और मैं 7 बजे थाना पर लौटता हूँ। लेकिन थानाध्यक्ष कहते हैं 3 बजे मुझे सूचना मिलती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे पास है, मैं डॉक्यूमेंट साथ लेता हूँ। डॉक्टर कहते हैं जो पोस्टमार्टम कर रहे हैं, बॉडी वाज रिसीव्ड एट 1 PM ऑन 2/1/93। थानाध्यक्ष को 3 बजे सूचना ही मिलती है घटना की, 2 बजे पोस्टमार्टम और थानाध्यक्ष सनहा दर्ज करने में 1.5 घंटा 20 मिनट टाइम लगा होगा और 12 किलोमीटर की दूरी थाना की है, हमारे गाँव जाने में 1.5 घंटा उनको लगा होगा। लेकिन 3 बजे थानाध्यक्ष को सूचना मिलती है और 1 बजे डेड बॉडी हमारे गांव से 40 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय सदर हॉस्पिटल है वहां डेड बॉडी रिसीव हो जाता है और 7:30 बजे सुबह इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार होता है, ये इंक्वेस्ट रिपोर्ट है, 7:30 बजे सुबह बकौल दरोगा जी इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार होता है और 4 बजे भोर में ही FIR हो जाता है। कंट्राडिक्शंस देखिए, 3 बजे दिन में उनको सूचना मिलती है और 4 बजे भोर में ही वो FIR दर्ज कर देते हैं और 7:30 FIR दर्ज इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार होने के बाद में होता है जी, तो इंक्वेस्ट रिपोर्ट 3:30 7 बजे सुबह करते हैं और FIR 4 बजे भोर में करते हैं और सूचना उनको 3 बजे दिन में मिलती है और उनको 3 बजे दिन में सूचना मिली, उससे पहले 1 बजे दिन में डेड बॉडी रिसीव हो जाता है सदर सीतामढ़ी में 40 किलोमीटर दूर और 4 बजे पोस्टमार्टम हो जाता है दिन। ये सारा कंट्राडिक्शंस माननीय उच्च न्यायालय ने आज नोट किया है, हमको रिहा नहीं किया है, इस केस को साजिश का पुलिंदा कह करके कोर्ट ने ऑर्डर किया है। ये टोटल केस वाज मैनिपुलेटेड कंकॉक्टेड एंड डॉक्यूमेंट ऑफ कंस्पायरेसी अगेंस्ट सम पीपल टू डिफेम देम, उनकी हम लोगों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए ये कंकॉक्टेड मैनिपुलेटेड एक केस हम लोग खिलाफ दर्ज किया गया। आप 8 बजे रात में घटना होती है, 4 बजे भोर में FIR दर्ज हो जाता है, 7:30 बजे इंक्वेस्ट FIR के बाद 7:30 बजे सुबह से इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार होता है और थानाध्यक्ष कहते हैं कि 3 बजे दिन में हमको सूचना मिली और जो कहते हैं सनहा 17 नंबर हमने दर्ज किया, वो सनहा का चर्चा कहीं भी नहीं है, कोई सीजर लिस्ट का कुछ भी वहाँ उपलब्ध नहीं है और इसकी सजा हम लोग को 32 साल से भुगतना पड़ रहा है। इतना सब कुछ होते हुए भी कोई आई विटनेस नहीं है और जो विटनेस नंबर 6 है, जो इन्फॉर्मेंट है, उसके स्टेटमेंट में देयर आर सो मेनी कंट्राडिक्शंस। देखिए इसमें स्पेसिफिक मेरे बारे में वो कहता है कि मैं चाचा को बचाने गया तो महेंद्र सिंह यादव ने मुझे गोली फायर किया, जो मेरे पैर पर गोली लगी, मेरे पैर के खिल्ली में गोली लगी। आपके पैर में जो इन्फॉर्मेंट है वो खबर करते हैं सूचना, फिर कोर्ट में जाके बयान करते हैं कि महेंद्र सिंह यादव ने मेरे ऊपर फरसा का प्रहार किया। महेंद्र सिंह यादव के हाथ में बड़ा बंदूक था, तो बड़ा बंदूक और फरसा दोनों हाथ से हैंडल होने वाला चीज़ है, एक हाथ से तो ना बड़ा बंदूक चलेगा ना फरसा चलेगा, और जिसके हाथ में बड़ा बंदूक हो उसको गोली जब मारा ही पैर में, मेरे हाथ पैर में गोली से मारा जिससे मेरा पैर घायल हो गया, तो फिर फरसा आदमी क्यों चलाएगा? ना इन्फॉर्मेंट के पैर में गोली का इंजुरी है ना उसके पैर में फरसा का कटिंग है। इंजुरी कॉज्ड बाय हार्ड एंड ब्लड सब्सटेंस, डॉक्टर लिखता है। आप बताइए फिर दूसरा पार्ट जो है 300 ये स्टेटमेंट इन्फॉर्मेंट का कोर्ट में होता है 154/99 है ट्रायल नंबर उसमें होता है और 323/93 एक पार्ट है उसमें वो कहता है कि हमको नहीं मारा, हमारे जो डिसीट चाचा है उसको महेंद्र सिंह यादव ने पैर पर फरसा से मारा। तो इतना सब कुछ मैनिपुलेटेड और कंट्राडिक्टरी होने के बावजूद भी ना तो सीतामढ़ी की जिला पुलिस ने ना तो बिहार सरकार ने, मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव हुआ करते थे उनके आदेशानुसार CID कंट्रोल हुआ और CID के ऑफिसर्स ने, कृष्णा चौधरी जी बड़े IPS ऑफिसर हुआ करते थे, उन्होंने इस केस को कंडक्ट किया। तो न बिहार तत्कालीन बिहार सरकार ने न जिला पुलिस ने
अन्ना जिला न्यायालय ने हमें इंसाफ दिया। इस केस के हमारे सह अभियुक्त राम राय की मौत जेल में हो गई। कई शिक्षक थे जिनको कई तरह का प्रताड़ना झेलना पड़ा, वकील इसमें रहे, हमारे परिवार के लोग मुखिया निर्वाचित थे उनका नाम इसमें था। मेरा भाई केमिस्ट्री ऑनर्स और LLB किया हुआ रविंदर कुमार, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई इसमें। आज वो हाई जब टूटल हुए इस केस में तो अब लेट उनको हाई कोर्ट में हाई स्कूल में मुंगेर में टीचर में उनकी ज्वाइनिंग हुई। तो इतने सारे परिवार और इतने सारे लोगों की ज़िंदगी एक मैनिपुलेटेड केस के द्वारा, एक सरकार की लाल फीताशाही के कारण से, एक सरकार हम लोगों में संभावना थी, हम आगे बढ़ने वाले लोग थे, तो तत्कालीन लालू प्रसाद यादव की सरकार ने और उनकी व्यवस्था ने हमारी ज़िंदगी नासूर बना दिया। और 32 वर्ष एक लंबा अरसा होता है। मैं आज 53 वर्ष का नौजवान हूँ, जब मुझ पर ये मुकदमा हुआ था मैं 20 साल 22 साल 23 साल का नौजवान था, मेरे सपने थे, मेरे अरमान थे। हाईकोर्ट ने इस केस को झूठा साबित किया, ये साजिश था, ये साजिश का पुलिंदा उन्होंने साबित किया, हमें एक्यूटल नहीं किया। हमको उन्होंने सभी लोगों को कहा ये केस ही मैनिपुलेटेड केस है, ये कंस्पायरेसी थी इनको फंसाने के लिए, इनको बर्बाद करने के लिए। इतना कंट्राडिक्शंस। आज आशुतोष बाबू के माननीय न्यायालय को पता चला, क्या सीतामढ़ी का जिला न्यायालय को पता नहीं चला, क्या जिला पुलिस को पता नहीं चला, CID ने कंट्रोल किया, क्या ये कंट्राडिक्शंस। मेडिकल रिपोर्ट किसी भी केस को चलाने का सबसे प्रमुख आधार होता है। तो मेडिकल रिपोर्ट में 4 बजे भोर में आप FIR दर्ज कर देते हो और 7:30 बजे इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार करते हो, 3 बजे दिन में आपको सूचना मिलती है, 4 बजे भोर में आकर आप कैसे FIR दर्ज कर दिए, 3:30 बजे कैसे आपने इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार कर दिया, और 3 बजे आपको जब थानाध्यक्ष को सूचना ही मिलती है और IO को सूचना ही मिलती है घटना की, तो 1 बजे लास्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फोन भेज दिया 40 किलोमीटर दूर जज साहब बोले, और 4 बजे पोस्टमार्टम कैसे हो गया, दो बार FIR तैयार। और इस केस में एक और आश्चर्य देखिए, इंक्वेस्ट रिपोर्ट में 364 लिखा हुआ, दफा 364 मतलब अपहरण करके हत्या उसका किया गया है, और FIR देखिए, ये FIR है, FIR में 364 कहीं भी नहीं है, 364 कहीं भी नहीं है, इसमें 302 है। ये स्टेटमेंट ही कहता है कि प्रीतिपूर्वक भोज खिलाने के लिए हमको ले गया, तो 364 का मतलब अपहरण होता है, तो FIR का में जो दफा है सो, और इंक्वेस्ट रिपोर्ट में जो दफा है सो, दोनों अलग अलग है, इसका मतलब 2 घटना हो गया ना। तो आशंका प्रकट किया न्यायालय ने, उस अपराधी की हत्या कहीं अन्यत्र हुई, और वो दूसरा मामला था जिसमें 64 लगा हुआ है, और उसके इंक्वेस्ट रिपोर्ट को इस FIR से जोड़ करके इन लोगों की जिंदगी तबाह कर दी गई। चलिए, तो ये व्यवस्था पर सवाल है। मैं बिहार की वर्तमान सरकार से भी और पूर्ववर्ती सरकार से भी, ये 24 लोगों का जो जिंदगी तबाह हुआ और 32 वर्षों का जो एगोनी है, जिस मानसिक पीड़ा के तहत हम गुजरे हैं, और यह जो परिवार तबाह हुआ है, जो जेल में मर गया और हम सड़कों पर तिल तिल कर मरे हैं 32 वर्षों तक, हमारी ज़िंदगी जो नासूर हुई, हमारा जो भविष्य बर्बाद हुआ, इसका मुआवजा हमको कौन देगा। लालू प्रसाद यादव यदि हमको सुन रहे हैं, मैं चाहूँगा कि हमारी 32 वर्षों की ज़िंदगी आप लौटा दें, और जिन परिवारों को इन 32 वर्षों में जिस कष्ट और प्रताड़ना को झेलना पड़ा है, उसका कॉम्पेंसेशन क्या लालू प्रसाद यादव या उनकी तत्कालीन व्यवस्था दे सके। हम कृतज्ञ हैं न्यायालय के, इस देश में डेमोक्रेसी के जो आयाम हैं, लेजिस्लेचर और ब्यूरोक्रेसी, दैट हैज टर्न बैंकक्रप्ट। लेजिस्लेचर के लोग राजनीतिक विरोधियों को फंसाते हैं, राजनीतिक विरोधियों को उलझाते हैं, उन्हें बर्बाद करते हैं, उन्हें सूली पर चढ़ाते हैं, और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो IAS IPS हैं, वो गुलाम बन गए हैं इन राजनेताओं के। वो जब दो दो पैर टूट चुका है इस डेमोक्रेसी का, तो न्यायपालिका पर अंतिम उम्मीद है। इस न्यायपालिका को हम न्यायपालिका के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं, और न्यायपालिका के ऊपर जो बोझ है, जस्टिस डिलेड मिस जस्टिस डिनाइड, ये 32 वर्षों बाद जो मुझे न्याय मिला है, इन 32 वर्षों की हमारी ज़िंदगी कोई लौटा नहीं सकता। इसलिए हम आग्रह करना चाहेंगे कि व्यवस्था को सुधारा जाए और जस्टिस इन टाइम लोगों को मिलना चाहिए, और हमारे जैसे लोग जो भी इसमें सफर रहे हैं, सबों को मुआवजा सरकार दे, और जिसने भी कंस्पायरेसी की, चाहे वहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि ने किया हो, चाहे तत्कालीन पुलिस प्रशासन ने जिसने लापरवाही पूर्वक, चाहे थानाध्यक्ष हो, चाहे SP हो, चाहे CID के ऑफिसर हो, जिन्होंने भी संसंधान में इंटेंशनली हमें उलझाने का साजिश रचा, उन सब पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, और हमें अपना 32 साल का जो जिंदगी हमने
इस एगोनी में, इस टॉर्चर में गमाया है, हमको जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हमको व्यवस्था वो करनी चाहिए। यही मांग करने के लिए इस माननीय न्यायालय सामने खड़ा होकर के आपको अपनी बातें, अपना दर्द बयान। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय कुमार के लिए। आपने सुना 32 साल लग गए केस को सुलझाने में, और 32 साल के बाद क्या निकला, उन्हें कोर्ट के द्वारा बाइज्जत बरी करने की मुझे मदद की पाने की। कोर्ट जज साहब ने कहा कि आप उनका इंटेंशन था कि इनकी जिंदगी को बर्बाद किया जाए, और सही में 32 साल में जिंदगी का पिकअप टाइम होता है, 3 साल के बाद जो आदमी रिश्ता है वो पिकअप टाइम होता है अपने कैरियर को बनाने के लिए, और आज इनकी जिंदगी खराब हुई है, ये अपनी मुआवजा मांग रहे हैं कि 23 से 24 लोगों की जो जिंदगी खराब हुई, उनकी कैरियर की मौत हो गई, उनकी जिंदगी कौन वापस करेगा, और मुझे मुआवजा चाहिए। पूर्ववर्ती सरकार के साथ साथ जो वर्तमान सरकार है उनसे भी डिमांड कर रहे हैं, जो व्यक्ति उनको बनाने की कोशिश की है उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई किया जाएगा। शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशु वर्मा के साथ, पटना के मैच आए तो लेकर लाइव न्यूज़, खबर तो पक्की है।